दोस्तों तापसी पन्नू की एक फिल्म आ रही है 15 जुलाई 2022 को ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज हो रही है और 30 से 40 करोड़ के बजट में बनी फिल्म है। इसके निर्देशक हैं श्रीजीत मुखर्जी, बंगाली डायरेक्टर हैं। आर्टोग्राफ इनकी एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी बंगाली में 2010 में। इसके अलावा इन्होंने बेगम जान बनाई थी हिंदी में 2017 में, जो कि ठीक ठाक थी, बिलो एवरेज थी। उसके बाद बनाई इन्होंने 2022 में पंकज त्रिपाठी को लेकर शेर दी द पीलीभीत सागा, जो कि डिजास्टर मूवी थी 10 करोड़ रुपये में बनी फिल्म में केवल 1 करोड़ कमाए थे। इनकी इस फिल्म का ट्रेलर देखा मैंने, ये फिल्म तो मुझे बकवास लग रही है और ये डिजास्टर की तरफ बढ़ेगी। बजट इसका 30 से 40 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है। और पहले इन्होंने हाथ जलाया है 2022 में 24 जून को रिलीज हुई थी पीलीभीत सागा, और कब आई कब गई दर्शकों को पता नहीं चला, बहुत ही पुअर रिव्यू थे उसके, डिजास्टर मूवी थी। ये फिल्म भी डिजास्टर हो जाएगी 15 जुलाई को, ऐसा मेरा ख्याल है। आपने ट्रेलर देखा दर्शकों को, आपकी क्या राय है? तापसी पन्नू से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। विजय राज हैं, इसके अलावा मुमताज सरकार हैं, राजेंद्र काला हैं और देव दर्शनी जी हैं, जो मिताली राज की माँ बनी है, महान क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेटर टीम की खिलाड़ी रही हैं, उनकी जीवनी पैदा फिल्म है। आप ऐसा बताएं दर्शकों,